पीएम मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। लाभार्थियों से बातचीत के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पीएम मोदी भावुक हो गए। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी एक लाभार्थी की बेटी से बातचीत के दौरान भावुक हो गए। लाभार्थी ने बताया कि उसकी बेटी आलिया बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। पीएम मोदी ने लाभार्थी की बेटी आलिया से बात की। पीएम मोदी ने उससे पूछा कि तुम्हें डॉक्टर बनने का विचार कब आया। आलिया ने बताया कि पिताजी की तबीयत को देखकर उसे डॉक्टर बनने का ख्याल आया। ये बोलते ही आलिया रुक गई और भावुक हो गई। उसे देखकर पीएम मोदी भी भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। पीएम मोदी ने कुछ सेकंड रुके और कहा, बेटी तुम्हारी संवेदना ही तुम्हारी ताकत है। मोदी ने आलिया के पिता से ये कहा, बेटियों का सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। बेटियों का सपना आपको पूरा करना है और कुछ कठिनाई हो तो मुझे बताना। पीएम मोदी ने जब ये बात कही तो वहाँ मौजूद सारे लोगों ने मिलकर तालियां बजाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।